हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं बात करने वाला हूं हमारे प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, जिसका नाम था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एस्टेरेस और स्टारफेस। उसी के अगले पार्ट की तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ओरल सरफेस के बारे में, इस बार हम पढ़ेंगे एबोरल सरफेस। तो स्टारफिश की जो एबोरल सरफेस होती है वो हमेशा जब ये अपने नेचुरल कंडीशन में जब ये मूवमेंट करता है या लोकमोशन जब करता है, तो जो सरफेस हम कहें कि ये जो स्काई या आसमान की तरफ जो सरफेस होती है वो सरफेस एबोरल सरफेस कहलाती है। तो एबोरल सरफेस पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं: एनस, मेड्रिपोराइट, स्पाइंस, पैपुली या जिन्हें गिल्स भी कहा जाता है, और पैडी सिलेरी या पैडी सिलेरिया। तो ये एबोरल सरफेस का स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टारफिश में एनस कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरल सरफेस पर या एबोरल सरफेस पर? तो हमारा आंसर होगा एबोरल सरफेस। तो हम बात करते हैं एनस। तो एनस जो है एक माइन्यूट, मतलब बहुत सूक्ष्म एक सर्कुलर एपरेचर होता है, जिसे कि एनस के नाम से जाना जाता है, और यह एबोरल सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो है वो है मेड्रिपोराइट। तो एट द एबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क, सेंट्रल डिस्क की एबोरल सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लैट और सब सर्कुलर, कुछ गोलाकार, एसेमेट्रिकल और ग्रुप्ड प्लेट, जैसे कि मेड्रिपोराइट प्लेट कहते हैं या मेड्रिपोराइट कहते हैं। और ये मेड्रिपोराइट जो है वो दो आर्म के बेसिस, मतलब जो किनारे वाला जो पार्ट जहाँ पर दो आर्म जुड़ती हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और इस मेड्रिपोराइट वाले रीजन पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस प्रकार से ये मेड्रिपोराइट सीव चलनी के समान कार्य करता है, और यह ओपन होता है स्टोन कैनाल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम में। अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है स्पाइंस। तो पूरी की पूरी एबोरल सरफेस कवर होती है बहुत सारे शॉर्ट, थोड़े से हार्ड और ब्लंट कैलकेरियस स्पाइंस के द्वारा, और दी स्पाइंस आर वेरिएबल इन साइज़। और ये स्पाइन जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ों के होते हैं, और ये इरेगुलर रोज में ये आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं पैपली और गिल्स। पैपली और गिल्स, तो ऑसिकल्स इंटेगमेंट के ऑसिकल के बीच में ये बहुत सारे डर्मल पोर्स पाए जाते हैं, और ये बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो कि डेलिकेट भी होते हैं, ट्यूबुलर और कॉनिकल और फिंगर लाइक और पतली दीवारों वाले मेम्ब्रेनस और रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें कि डर्मल ब्रैंकिया और गिल या पैपुला कहते हैं, और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और इसके अतिरिक्त एक्सक्रीशन में। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में ये पैपुली अथवा गिल्स मदद करते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी आता है कि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कौन वर्क करता है, तो
तो वो पैपुली अथवा गिल्स हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगला स्ट्रक्चर या अगला ऑर्गन, जैसे कि पैडिसलेरी या पैडिसलेरिया के नाम से जाना जाता है। तो बिसाइड द स्पाइंस एंड गिल्स, एंटायर एवरल सरफेस इज कवर्ड बाय मैनी वाइटिश मॉडिफाइड स्पाइन लाइक टाइनी पिंसर्स और जो कॉल्ड पैडिसलेरी। तो पैडिसलेरी जो होते हैं वो स्पाइंस और गिल्स के अतिरिक्त यह पूरी एवोरल सरफेस को ये कवर्ड करके रखते हैं, और यह एक प्रकार से मॉडिफाइड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कि पिंसर्स या जॉ कहते हैं, और हम जूलॉजी की भाषा में स्टार फिश में यदि बात करें तो इनको पैडी सेलरी कहते हैं। और इन पर ये जो पैडी सेलरी हैं ये ओरल सरफेस पर भी ये पाए जाते हैं, और दे सर्व एज डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन। और ये काम करते हैं बचाव या सुरक्षात्मक ऑर्गन की तरह और आक्रामक ऑर्गन की तरह, और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं गिल्स को और पूरी बॉडी सरफेस को। पूरी बॉडी सरफेस पर मान लीजिए यदि कोई स्पंज बैठा हुआ है, या कोई सीलेंट्रेट या कोई नेटेरियन छोटा ऑर्गेनिज्म या छोटा एनिमल यदि इनकी बॉडी पर यदि अटैच हो जाता है, तो ये इन पैडिसलेरी की हेल्प से ये उन स्पंजिस या सीलेंट्रेट्स को वहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।